प्राण कंठगत भयों हुआ लो। मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालो, इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। नाथ समुझि मन करिया बिचारु, राम वियोग कयो धिया पारु। बचन विद सुन तन पा, प्रिया बचन मुनि सुन तन पा, चित हुआ भारी। तलवत मीन मलिन जनु सीचल सीतल बारी, सीतल बारी भयं विकल वर बोलो भाई सब संतन की जय। उमा
राम को रटते 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 राम का नाम लेते लेते राजा दशरथ जी अपने प्राणों को त्याग देते हैं। देखो अगर जिंदगी में हम ढूंढोगे ना कि सबसे खूबसूरत प्रेम किसने किया एक पिता के रूप में, तो आपको दशरथ जी से बेहतर प्रेम और भावना अपने पुत्र के लिए कहीं नहीं मिलेगा। मतलब इतना ज्यादा अपने पुत्र से जुड़े हुए थे ना कि उनके वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वियोग के अग्नि में तड़प तड़प के जल जल के अपना प्राण तक त्याग दिए। लिखा है कि जीने और मरने का जो सबसे सबसे सुंदर जो परिणाम है ना, जो सबसे सुंदर फल है, वो है दशरथ जी के जीवन में घटित होना, दशरथ जी के जीवन को देख करके अनुभव करना। जब तक जीवित थे तब तक राम के साथ थे और जब मरे तो भी राम के साथ मरे, राम को याद कर करके मरे। पूरे अयोध्या में शोक की लहर दौड़ जाती है, सब लोग आहत हो जाते हैं इस खबर को सुन करके। तेल एक नाव में भर के उस नाव के अंदर दशरथ जी के शरीर को सुरक्षित रखा जाता है। घर में भरत और शत्रुघ्न दो भाई जो हैं वो मौजूद नहीं है, अपने ननिहाल में है। उनको बुलाया जाता है, दूत जाते हैं बुलाने, असली बात नहीं बताते। भरत जी जब अपने नगर में पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि लोग उनको देखने के बाद उन्हीं को अयोध्या का सबसे बड़ा पापी समझ रहे हैं। लोगों को हकीकत नहीं मालूम था, लोगों को लगता है कि भरत के लिए कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया, तो कहीं ना कहीं भरत की उसमें अपनी कोई स्वार्थ होगी। अब भरत तो बेचारे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। जब घर में प्रवेश किए तो घर का सारा दृश्य देख कर के वो भीतर से एक ऐसी दशा में खोए थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। पिता के मरने का समाचार उनको पता चला जब पिता के सामने उन्हें ले गए लोग, लेकिन उनका हृदय जो है वो देख रहा था कि मेरे भाई कहाँ है राम लक्ष्मण। पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तब पता चलता है कि राम लक्ष्मण सीता मां वनवास को चले गए हैं और उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, उसका कारण मेरी अपनी माँ कैकेयी जी है। भरत ही बिसरउ पितु मरना सुनत राम वन गोनु, हे तू अपन पौ जान जिया थकित रहे धरि मौनु, थकित रहे धरि मौनु, थकित रहे धरि मौनु। जब भाई के वनवास की खबर सुनते हैं भरत जी तो पिता के मरने का गम भूल जाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं अपने भाई से। सब लोग समझाते हैं भरत जी को कि धैर्य धारण करिए। भरत जी अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद सभा बैठती है। सभा में सभी बड़े बड़े गुरुजन कहते हैं कि अब भरत अयोध्या की राजगद्दी पर आपको आसीन होगा होना पड़ेगा, आपको राजा के रूप में अयोध्या का देखभाल करना होगा। भरत जी कतई तैयार नहीं होते हैं। भरत जी कहते हैं कि हमें मालूम है कि हमारी भलाई किसमें है, आप सब लोग अपनी जगह ठीक हैं,
लेकिन मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ जिसके लिए मेरी आत्मा हमें भीतर से खुद को तैयार नहीं कह रही है। हम शुरू से लेके आज तक भगवान के सेवक के रूप में अपने आप को देखते आए हैं, और जिस गद्दी पर स्वामी बैठता है उस गद्दी पर सेवक कैसे बैठ सकता है। अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सबसे पहले भगवान का दर्शन करना है, और जब तक उनका हम दर्शन नहीं करेंगे तब तक हमारे भीतर का जो पीड़ा है, कष्ट है, वो दूर नहीं होगा। आप लोगों को सब सुनाई दे रहा है ना साफ साफ? सब सुनाई दे रहा है ना? हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन हमार तू कुटिलाई। मेरा कल्याण तो भगवान की सेवा में था, लेकिन मेरी माँ ने उसे हमारे जीवन से छीन लिया। आपनी दारुण दीनता कहूं सब से रुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। अपने भीतर की स्थिति को दुख को कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, आप लोग मेरी मदद करिए। और इस दुख का निवारण तभी होगा जब भगवान श्री राम के चरण कमलों का हम दर्शन करेंगे, तभी जाकर के हम दुख से छूटेंगे। भरत जी की बात को कोई काट नहीं पाता है। भरत जी कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं राम जी को ढूंढने, जब तक राम जी से मिलेंगे नहीं तब तक हम कोई फैसला नहीं लेंगे, और हमारा क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, ये स्वयं हमारे राम बताएंगे। भरत जी अयोध्या से निकलते हैं राम जी को ढूंढने के लिए, वन की ओर अग्रसर होते हैं, बढ़ने लगते हैं। अयोध्या के ढेर सारे नागरिक, स्त्री पुरुष, इवन मतलब जो माता पिता हैं, पिता तो रहे नहीं, वो हमने अंग्रेजी बोल दिया है ना, तो वो आ जाता है कभी दिमाग में, कोशिश करते हैं अंग्रेजी ना बोलें, दिमाग में तो कुछ शब्द घुसे हैं ऐसे कि पूछिए मत। तो जो महारानी हैं कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी नहीं जाती हैं, उसके अलावा नगर के जितने बड़े लोग हैं, जितने बालक लोग हैं, जितने नर हैं नारी हैं, सब लोग जो है गुरु लोग, वशिष्ठ जी, सब लोग भरत जी के पीछे पीछे चलते हैं। और योजना ये रहती है कि किसी भी तरह से राम जी को वनवास से वापस लाना है। भरत जी कहते हैं राम जी की जगह हम वनवास काटेंगे, लेकिन उनको अयोध्या में लाएंगे। मार्ग में भरद्वाज जी से मिलना होता है, वही भरद्वाज जी जो कथा के मुख्य श्रोता हैं, वहां मिल करके फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं पद त्राणम शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रतु धर्म अमाया, लखन राम सिया पंथ कहानी, पूछत सखही कहत मृदुबानी, राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके, देखि दशासुर बरसहिं फूला, भई मृदु मही मग मंगल किए, जाही छाया जलद सुखद बहई बरबात, तस मांगो भयउन राम कह जस भा भरत जा।
जब भरत जी राम जी को ढूंढने के लिए चलते हैं ना, तो जो बादल है वो छतरी की तरह से भरत जी के लिए छाया उत्पन्न करते हैं। ठंडी शीतल सुखदाई हवाएं बहती हैं ताकि भरत जी को पीड़ा ना हो। बहुत दूर से पैदल चले आ रहे हैं। देवताओं को जब ये बात पता चलती है तो वो परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भरत जी से राम इतना प्रेम करते हैं कि भरत कुछ भी कहेंगे राम जी तैयार हो जाएंगे। वो बृहस्पति जी के पास जाते हैं और बृहस्पति जी से कहते हैं, हे भगवान, हे गुरुदेव, कुछ ऐसा करिए कि भरत की राम से मिलन ना हो पाए। गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं कि देखो, एक बात ध्यान से सुन लेना, आप भगवान का कुछ बुरा कर दोगे भगवान माफ कर देंगे, भगवान क्षमा कर देंगे, किंतु भगवान के भक्त को अगर आपने परेशान किया ना, तो भगवान आपकी ऐसी हालत करेंगे कि आप दुर्वासा की तरह पूरे तीनों लोक में घूमते रहेंगे और कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। अब एक दुर्वासा की कहानी आ गई, तो थोड़ा सा सुना देते हैं। बहुत बड़े ऋषि थे दुर्वासा जी, बहुत गुस्सा करते थे। भगवान के बड़े भक्त हैं, बड़े सुंदर भक्त हैं अम्बरीश जी, भागवत में कथा आती है। तो वो व्रत रखे थे, दुर्वासा जी को आमंत्रित किए थे कि पहले संत जी, ऋषि जी, मुनि जी पहले भोजन कर लेंगे, हम करेंगे। अब संत जी जो बोले कि हम अभी स्नान आदि करके पूजा पाठ करके आते हैं, और उनका पूजा लंबा होने लगा। व्रत करने के बाद जब व्रत का फलहार करते हैं तो उसका एक निश्चित समय होता है, मुहूर्त होता है। अगर उस समय आपने कुछ नहीं ग्रहण किया तो आपके व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा शास्त्र के अनुसार। अब धर्म संकट है कि ब्राह्मण को बोल दिए कि हम आपको भोजन कराएंगे फिर भोजन करेंगे, और ब्राह्मण देवता आ ही नहीं रहे हैं, अपने कार्य में व्यस्त हैं। तो नारद जी आए और वो एक युक्ति समझा दिए कि आप जल ग्रहण कर लीजिए, आपका उपवास का वो नियम भी पूरा हो जाएगा और आपको दोष भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ अन्न ग्रहण किया है। तो उसके अनुसार अम्बरीश जी अपना पारण कर लिए, उसको पारण बोलते हैं, यहां क्या बोलते हैं, पारण बोलते हैं, तो कुछ शब्द हर जगह एक ही जैसा है। लेकिन जब आए दुर्वासा जी तो उनको सब पता चल गया, तुम मुझे भोजन कराए बिना कैसे तुमने पारण कर लिया। बहुत क्रोधित होने लगे, शाप देने लगे। तो भगवान कृष्ण का जो चक्र सुदर्शन है ना, भगवान ने उसे आज्ञा दिया था कि जो मेरा अम्बरीश भक्त है इसकी रक्षा करना, इसका देखभाल करना, इसको कभी कोई कष्ट पहुंचाए तो उसको दंडित करना। तो जब अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने क्रोध में आके कुछ कहा, श्राप आदि दिया, तो वो चक्र सुदर्शन जो है ना दुर्वासा जी को दौड़ाने लगा मारने के लिए, और चारों को वो दौड़े, कोई दुर्वासा जी की मदद नहीं की। नारद जी ने समझाया कि आपने जिसको अपमानित किया, जिसके साथ बुरा बर्ताव किया उसी के पास जाइए। फिर अम्बरीश जी के चरणों में आके गिर जाते हैं दुर्वासा जी, और दुर्वासा जी को गिरा देख करके चरणों में गिरने से पहले उठा लेते हैं वो, और कहते हैं, हे चक्र दर्शन, इन मुनि को क्षमा कर दीजिए। हम इसलिए ये घटना सुनाए ना कि अगर भगवान के भक्त की अगर आप बैंड बजाओगे ना, हाँ, तो फिर जो है भगवान आपकी ऐसी बैंड बजाएंगे कि जिंदगी भर बैंड बन के रह जाएंगे। बैंड में समझते हैं मूड जाना।
तो कभी भी कोई संत महात्मा आपको दिखे तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है। आजकल ऐसा हालत हो गया है कि ट्रेन में चलो तो गिन के 3-4 नाम चर्चा में हमेशा बने रहते हैं, हम लोग उनका नाम नहीं लेंगे। और उन्हीं को याद कर करके वो अन्य लोगों को टारगेट करते रहते, बताओ आजकल के महात्मा तो खराब हो गए हैं, कोई चरित्र ही नहीं है सब। ऐसा नहीं है, किस समाज में लोग गंदे नहीं है, किस समाज में घटिया नहीं है, क्या नेता खराब नहीं है? और सारे नेता खराब ही हैं, अच्छे नेता भी हैं, बुरे नेता भी हैं, अच्छे भी साधु हैं और बुरे साधु नहीं है, वो बुरे 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 ही हैं। साधु का मतलब कभी बुरा साधु नहीं होता, जो अच्छा 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 है वही साधु है, और जो बुरा है वो काहे का बुरा साधु है, केवल बुरा है। लोग कहते हैं बुरा साधु अच्छा साधु, साधु अच्छा है ये तो चलेगा, बहुत अच्छा है चलेगा, लेकिन साधु बुरा नहीं है, वो बुरा ही था इसलिए बुरा है, वो साधु हो ही नहीं सकता। और आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, ये जो फेमस नाम है ना वो कोई सन्यासी लोग नहीं है, वो सब शादीशुदा लोग हैं, बेशरम लोग हैं, क्योंकि इस काम में कमाई ज्यादा होने लगी है इसलिए इसी धंधे में आजकल सब लोग अपना शरम छोड़ करके कूद गए हैं। ये दुकानदारी बहुत चलती है, नई जरूरत है इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए, नई जरूरत है वकील बनने के लिए, नई जरूरत है आप डॉक्टर बनो। आपको 10 साल की उम्र से कोई अच्छे से रामचरितमानस का पाठ करना सिखा दे, उसका अर्थ करना सिखा दे, संगीत सीख लो, फिर किसी के साथ काम करने की जरूरत नहीं, अपना काम करो, धर्म का प्रचार करो, समाज में अच्छे संदेश का प्रचार करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पैसा के लिए मत करो। धन कमाएंगे और आसानी से ढेर सारा पैसा रुपये इकट्ठा कर लेंगे। देखो अगर नियति साफ नहीं है तो दुर्गति पक्की होनी है। अगर किसी को धोखा हम आज दे रहे हैं तो कल हमें उसका फल मिलेगा और कोई बच नहीं सकता। भरत जी के संदर्भ से बात हमने कहा कि भरत जी जब राम जी से मिलने जा रहे हैं तो पूरी प्रकृति उनकी मदद कर रही है, उनकी सेवा कर रही है, और देवता लोग कह रहे हैं कि नहीं मिलने मत दो, इनको दूर करो, जिसके ऊपर हमने आपको सुनाया कि भगवान के भक्त को कभी नुकसान तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। और भगवान की भक्त की बात छोड़ो, ये निश्चय कर लीजिए जीवन में कि किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवहार से दुख नहीं पहुंचाना है। अगर कोई खुद ही अपना सर दीवार से फोड़ रहा है तो फोड़ने दो, आप उसका सर पकड़ के मत फोड़ो। चलते 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 भरत जी भगवान के निकट पहुंच जाते हैं, थोड़ी दूर रह जाती है। लक्ष्मण जी हमेशा भगवान श्री राम मां जानकी की सेवा में तत्पर रहते हैं, रक्षा करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई आ रहा है लड़ाई के लिए, क्योंकि बहुत ढेर सारी संख्या में लोग थे। लक्ष्मण जी के मन में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत की बुद्धि खराब हो गई हो, और वो ये सोच के वन में आया हो कि चलो रास्ते का कांटा हमेशा के लिए साफ कर देते हैं, और 14 बरस के लिए ही क्यों, पूरे जीवन भर के लिए राजा बन जाते हैं, ऐसा संभव है ना? आजकल का भाई तो ऐसा भी कर देगा, भाई को तो छोड़ो लोग बाप को मार देते हैं। अरे आजकल की जो पीढ़ी है ना, हे भगवान, हम तो बहुत खुश हैं कि हम विवाहित नहीं हैं, हमको नहीं चाहिए आज का संतान। फिर मैं सावधानी से कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे सारे पुत्र कुपुत्र हो गए हैं, लेकिन 99% जो बच्चे हैं ना
आपके अपने घरों में है, देख लीजिएगा कितने तमीज से बात करते हैं अपने माँ बाप से, अपने बड़े भाई बहन से। समझ में नहीं आता कि कौन सी हवा उनके सीने में, उनके दिमाग में उन्हें खराब कर रही है। हम एक बात को लेकर ना बहुत ज्यादा आग्रही हैं। मेरा ये मानना है कि आप कितने भी घटिया हो, वो आपका निजी मामला है, आप चाहे जो करना है करो। लेकिन जब कोई आपसे उम्र में बड़ा है, पद में बड़ा है, रिश्ते में बड़ा है, तो अपने जवान से एकदम तमीज वाली भाषा में बात करो। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप लोगों में जो बच्चे लोग हैं ना, वो देखो माँ बाप को हम कुछ दे तो सकते नहीं ना, जिंदगी भर हम उनसे लेते ही रहते हैं, तो हम क्या दे सकते हैं उनके लिए? कुछ नहीं हमारे पास, केवल एक चीज है, प्यार, मोहब्बत, सेवा। जब माँ काम से थक जाए तो शाम को सोते समय उसका सर दबाओ, उसका पैर दबाओ, कभी कभी उसके कपड़े धुल दो। जिस दिन स्कूल की छुट्टी हो उस दिन ये सोचो कि आज मम्मी को कोई काम करने नहीं देंगे, आज सारा काम हम करेंगे। करते हो आप लोग? करते हो? बहुत अच्छा। उनकी आत्मा, उनकी रूह आपसे खुश रहेगी ना, आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेगी, तो आपके लिए वो दुआएं करेंगी। उनकी दुआओं में बहुत असर होता है। राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये जो भरत है ना, इनको कभी भी मद नहीं हो सकता। सूरज ठंडा हो सकता है, चंद्रमा आग की तरह गर्म हो सकती है, लेकिन भरत कभी अपने मूल स्वभाव से बदल नहीं सकते। उनका हृदय बहुत पवित्र है। भगवान के पास जब भरत जी जाते हैं तो भगवान दौड़ के भरत को सीने से लगा लेते हैं। पूरा सभा बैठता है, सारा समाचार का आदान प्रदान होता है। राम जी को पता जब चलता है कि पिताजी अब हमारे स्वर्ग सिधार गए, तो बहुत दुखी होते हैं। जो उसके लिए नित्य क्रिया है, आपको पता होगा, पिंडदान होता है, श्राद्ध कर्म होता है, राम जी स्वयं अपने हाथों से करते हैं। बहुत देर तक इस बात पर विचार विमर्श होता है कि किस तरह से एक सही निर्णय लिया जाए, जिसमें भरत को भी दुख ना हो, पिता के वचन भी झूठे ना हो, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाता है। भरत जी को इस बात का ध्यान है कि मेरे अपने विचार के कारण कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भाई को दुख पहुंचे। कई बार देखिए, हम अपनी इच्छाओं को लेकर के इतने ज्यादा आग्रही होते हैं कि नहीं, मेरी बात तो मेरी बात, मैं जो सही कह रहा हूं तो वो सही होना चाहिए। ये सही नहीं है। हमारी खुशी तभी सही साबित होगी, सही होगी, जब सामने वाले की भी संवेदना का हम ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको जो काम जब करने का मन करेगा ना, उसी समय वो ऑर्डर करेंगे, और आपकी ड्यूटी है कि आप उसे पूरा करिए। रात को 12 बजे खाना खाने का मन किया तो आपको बना के देना पड़ेगा। अरे यार, एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, अगला सोया है। ये भी तो सोचो कि उसका सुख अपने खाने के चक्कर में आप छीन रहे हो। तो इसका एक ही कारण है कि लोग इतने स्वार्थी हो गए आज के दौर में कि वो सामने वाले की फिक्र करते ही नहीं है। उन्हें अपना स्वार्थ पूरा करना है, बाकी आप जाओ, जहां जाना है जाओ। लेकिन भरत जी ऐसे नहीं है। भरत जी हमेशा ध्यान रख रहे हैं कि मेरे किसी इच्छा के कारण मेरे प्रभु को कोई कष्ट ना हो। भगवान से कहते हैं, प्रभु आप जो चाहें करें, आपकी कृपा बनी रहे। बहुत विचार करने के बाद भरत जी खुद कहते हैं कि प्रभु
मेरी इच्छा है कि आपका जो ये चरण पादुका है ना, उसे आप हमें प्रदान कर दीजिए और 14 वर्ष तक हम इसी के सहारे अपना जीवन काट लेंगे। लेकिन याद रखिए, देर हुआ, एक दिन भी अगर देर हुआ तो फिर आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। एक ही शर्त है कि जिस दिन 14 वर्ष आपके वनवास का पूरा हो, उस दिन आप हमें अयोध्या में मिलें। तब तक शायद हमारी सारी सीमाएं क्षमताएं खत्म हो जाएं कि आपके बिना हम रह पाएं। सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु करी कृपा आवरी देनी, सादर भरत शीश धर लेनी। श्री राम जी के चरण पादुका को लेकर के भरत जी अयोध्या की ओर चलते हैं तो क्या दृश्य होता है। शीश खड़ाऊं ले चल ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाओ में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाओ में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम बिन कठिन है एक घड़ी बिताए, राम बिन कठिन है।
शीश पे खड़ा अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत जी भगवान श्री राम के चरण पादुका को लाते हैं, अयोध्या की जो राजगद्दी है ना उस पर उस चरण पादुका को पधराते हैं, मतलब विराजमान करते हैं, और स्वयं प्रतिनिधि के समान रह करके राज्य का पूरा देखभाल करते हैं, संचालन करते हैं।